नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ, और इस वीडियो में जितनी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जानकारी के माध्यम से आपको कंपनी के डिटेल्स के साथ साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न को भी सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप सीखेंगे तो सब कुछ मार्केट से कमा पाएंगे, अगर ना सीख कर कोई भी टिप्स लेकर आप काम कर रहे हैं तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि देखिए, टिप्स वो खुद के मन के हिसाब से दे सकते हैं, खुद के ओपिनियन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक करने के बाद आप खुद काम करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पोटेंशियल मिलेगा कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड में पॉसिबिलिटी हायर है और नेगेटिविटी कम है। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है इस सारे कंपनीज के ऊपर और इसका फंडामेंटल क्या बता रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक जितने सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, और मार्केट रिलेटेड जितने सारे अपडेट्स हैं मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को प्लीज एज अ रिकमेंडेशन कभी भी मत लेना, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता। मैं हमेशा आपको एज एजुकेशन पर्पज में सारे डिटेल्स दिखाता रहता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से आपके एडवाइजर के साथ डिस्कशन करके ही आप काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जोमाटो। देखिए, जोमाटो आप सभी जानते हैं, जोमाटो इंडिया के एक पॉपुलर फूड सर्विसेज कंपनी बनते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ इस कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने का, क्योंकि क्वार्टर टू का रिजल्ट देखने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर मेरा जो भरोसा है वो भरोसा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर वन में कंपनी क्या किया था, 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि 2 करोड़ का प्रॉफिट इसमें क्या होगा इतने बड़े कंपनी में। चलो वो तो आपके बात सही भी है, मगर देखिए क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है कब आएगा, 10 तारीख को, 10 नवंबर में आपको रिजल्ट दिखेगा। तो 2 करोड़ का जो प्रॉफिट है, इस 2 करोड़ का प्रॉफिट देखकर ही बहुत सारे लोगों का यही लग रहा है कि कंपनी, इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो इसमें क्या होगा। देखिए एक्चुअली आपके बात सही भी है, 2 करोड़ प्रॉफिट में कुछ भी नहीं होगा, फिर भी इतने दिनों तक देखिए कंपनी जो लॉस लॉस दिखा रहा था, करीबन देखिए 450 करोड़, 250 करोड़, 350 करोड़, इतने सारे लॉस करने के बाद फर्स्ट टाइम कोई कंपनी प्रॉफिट में आया, ये बात तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। और फिर भी एक चीज को ध्यान देना, सबसे सबसे मजेदार बात क्या है, जिस चीज मुझे बहुत बहुत बेस्ट लगा वो है, देखिए इतने दिन तक लॉस तो हो रहा था, कंपनी को कुछ टैक्सेशन भी नहीं देना पड़ रहा था, फाइनली जब भी प्रॉफिट हुआ उस टाइम कंपनी सबसे ज्यादा टैक्स दिया, सबसे ज्यादा कितना, 113%। अगर टैक्स यहाँ पे कम दिया जाता तो प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता, मगर यहाँ पे टैक्स तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि इतने दिनों तक कंपनी टैक्सेस तो उतना नहीं दे पाए क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं था। तो जब प्रॉफिट मिला तो सबसे पहले उसको क्या किया, प्रॉफिट को टैक्सेशन के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ा। तो अगर टैक्सेशन कम होता तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाते। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बिजनेस के बारे में आपको समझना है तो इस सारी चीजों को आपको देखना है, उसके साथ साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। कंपनी का देखिए इस बार 500 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, आज तक की सबसे हाइस्ट कर्जा। इतना कर्जा क्यों लिया गया, उसके पीछे कारण भी है, कंपनी का जो ट्रेड मिला आप देखेंगे, कंपनी 83 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। अभी देखिए 83 करोड़ का ट्रेड मिला और कंपनी का कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो इस कंपनी को बिजनेस को बड़ा करने के लिए, कंपनी को खुद को आउटलेट और उसका बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो वो पैसे को कहाँ से लेंगे, मार्केट से बोरिंग्स उठाया, कर्जा उठाया, उसी कर्जे से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट बहुत ज्यादा है, रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, उस बेसिस में आगे चलने के लिए कंपनी तैयार है। अभी सबसे और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ कंपनी के, देखिए जो देखा जाए तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कंपनी के जो पिछले बार का जो बोरिंग्स था उस बोरिंग्स को कंपनी टोटली क्लियर इस बार कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में दम भी है कि जितना वो कर्जा ले उस कर्जे को वो मिटाने का दम रखते हैं, और यही कारण से मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन एफआईएस ने तगड़ा बाइंग किए, तगड़ा मतलब सारे हद पार कर दिए। 10% का होल्डिंग था वो इस बार 50% के ऊपर चला गया। तो डीएस के पास देखिए 2.5% का होल्डिंग था, वो आज कितना बन चुके हैं, 13% के आसपास। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को आपको पहचानना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कंपनी का हाई ग्रोथ फ्यूचर में होने का चांसेस है। अभी फिलहाल के लिए कंपनी स्ट्रगल मूड में है क्योंकि कंपनी का बिजनेस के बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स भी है,
जैसे डंजो हो गया, जैसे स्विगी हो गया, ये भी इसका कंपटीटर है और वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है मार्केट में, तो उसको बीट करके जोमेटो को आगे बढ़ना है तो जोमेटो को बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ेगा। अभी रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा, तो कंटिन्यूसली देखिए हायर लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, मतलब एक ट्रेड के बारे में बताया था कि कंपनी यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया और वो भी क्या शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट किया। तो जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुए तो आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान देखना है कि जो लेवल क्रिएट हुआ उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग चाहिए और उसके ऊपर कोई भी ब्रेकआउट चाहिए, मतलब ब्रेकआउट के बाद कोई कन्फर्मेशन चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। अभी देखिए इस कंपनी के जो टारगेट बनेगा वो टारगेट कहाँ तक बन सकते हैं, यहाँ पे एंट्री लेवल से टारगेट बन सकता है इस लेवल तक। मतलब इस तरीके से टारगेट कहाँ से बना मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो हेड का जो साइज है, इस हेड साइज को मेजरमेंट कर लेना और उसी साइज को यहाँ पे मार्किंग कर देना, तभी आपको टारगेट बन जाएगा। तो इसी रेंज को आपको मार्किंग करके ही टारगेट निकलना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं जो टारगेट यहाँ पे बनेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 157 के आसपास है। तो प्लीज़ इस 157 का जो टारगेट बन रहा है तो इसको एंटी के हिसाब से मत लीजिएगा, आप प्लीज़ एक बार स्टडी करके काम करिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए बहुत बार मुझे कमेंट्स किया गया, सर आप हमेशा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में चर्चा करते हैं, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते। देखिए मैं इसके ऊपर बहुत बार चर्चा भी आपके साथ कर चुका हूँ और जब 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 इसके ऊपर ट्रेड बना तभी मैंने आपको शेयर भी किया था और ट्रेड किस तरीके से टारगेट के हिसाब से अचीव हुआ वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी के इस तरीके से पैटर्न्स में कितना दम है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए कंपनी का सोल्ड कप विद हैंडल पैटर्न बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और सबसे एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, इस तरीके से जब पैटर्न क्रिएट होगा तब हमेशा याद रखना आपको फाइनली कोई ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन चाहिए। तो फाइनली ब्रेकआउट के ऊपर कन्फर्मेशन हुआ और आपका टारगेट कितना होगा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो आपका यहाँ पे जो मतलब कप का जो हाइट है इस लेंथ को मेजरमेंट कर लेना और उसी के लेंथ के हिसाब से यहाँ पे टारगेट रख देना, तो इसका टारगेट बन जाएगा। तो कितना टारगेट बना था 60-70% के आसपास, देखिए इजीली वो टारगेट अचीव किया, नीचे ही नहीं आया, कंटिन्यूअसली बाय होता गया और कंटिन्यूअसली बाय होने के बाद टारगेट भी अचीव किया। अभी दो तरीके से इस तरीके से सिचुएशन में दो चीज़ों को ध्यान देना, पहली बात जब इस तरीके से ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होना चाहिए, दूसरी बात जो टारगेट बन रहा है अगर उस टारगेट के ऊपर कोई भी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कोई भी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो आप सोच लेना उस लेवल तक वो जरूर अचीव करेगा। तो फाइनली देखेंगे तो प्रीवियस का एक स्ट्रांगली लाइफ टाइम इसका हाई के साथ साथ एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कमली स्ट्रांगली एक सप्लाई जोन था और उसी के बाद देखिए बिग क्रैश हुआ था, इसका मतलब वहां तक जाने का हायर पॉसिबिलिटी था। हाँ मैं इतना नहीं सोचा था कि डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट हिट करेगा, मैं सोच रहा था थोड़ा सा ऊपर नीचे करके टाइम लेकर वो टारगेट दे सकते हैं। तो कोई भी हो सकते हैं, मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो इसलिए हमेशा आपको तैयार रहना है, हमेशा आपको खुद के डाइवर्सिफिकेशन करके काम करना है कि एक सारे पैसा एक कंपनी के ऊपर कभी भी मत डालिए, आपको मिनिमम एटलीस्ट 10 से 12 कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए इस तरीके से सिचुएशन में, तभी आपको कभी भी लॉस होने का चांसेस नहीं होगा। अगर लॉस भी होगा तो फिर भी आपको बाकी जो प्रॉफिट होगा वहाँ पे आपको रिकवरी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है कंपनी का इस लेवल को टूट देखिए इतने लंबा जर्नी होने के बाद ब्रेकआउट तो हुआ, मगर इस तरीके से ब्रेकआउट में कभी भी एंटी मत लेना, क्योंकि इस तरीके से ब्रेकआउट में आप फंस सकते हैं, ये ऊपर जाने के बाद कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा। अभी एंटी कहाँ पे बन सकता है, एंटी बन सकता है मतलब इस तरीके से सिचुएशन में आपको देखिए रिट्रेसमेंट होने के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो सोचना बायर फिर से एक्टिव हो चुके हैं, उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है, तभी आपको इस कंपनी के ऊपर एक नया एंट्री मिल सकता है। अभी इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली नहीं आया और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए FIIs और DIIs और पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है और FIIs और DIIs के भी अच्छे खासा होल्डिंग्स है। अगर इस कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है, अभी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 1 साल में 100% के आसपास, 3 साल में 36%, 5 साल में 21% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना।
लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कैम्प्स एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। किसी भी कंपनी के ऊपर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो उस म्यूचुअल फंड में जब आपका पैसा, मतलब आप जब म्यूचुअल फंड के ऊपर बाइंग करते हैं तो तब आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटता है। जब आप म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तब आपको एक चार्जेस देना पड़ेगा और वही चार्जेस एक परसेंटेज कैम्प्स के पास भी जाएगा, क्योंकि जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका जो क्लियरेंस है, मतलब क्लियरेंस का मतलब है आपने तो बाई किया, उसको सेल करने के लिए भी आप सेल ऑर्डर डालेंगे, तो इसका जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस कौन करा देंगे? कैम्स करा देंगे। तो यही इसका मोनोपोली एक बिजनेस कंपनी इंजॉय करते हैं, जिसके चलते कैम्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात, मैं आपको बहुत तो बोल चुका हूँ, इंडियन मार्केट में सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जहाँ पे यूएस में 55% के आसपास और यूके में 36% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में काम करता है। तो सोचिए, जब धीरे धीरे करके इंडिया का पॉपुलेशन भी इतना बढ़ चुका है, धीरे धीरे करके लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएंगे तो हर किसी का प्रॉफिटेबल ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का फाइनली अभी तक सितंबर का रिजल्ट नहीं आया, तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है आप देखेंगे तो वो तो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले बार 60 करोड़ था, इस बार 70 करोड़ के आसपास बना। अभी इसी चर्चे को मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ तो आप देखेंगे एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कंटिन्यूसली 2 से 3 बार अगर शोल्डर क्रिएट करे उसके बाद हेड बनाकर फिर से एक बार शोल्डर क्रिएट करे तो सोच लेना उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक अच्छा धमाका देखने को मिल सकता है। तो फाइनली ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ और यहाँ से क्लोजिंग भी हुआ, तो कन्फर्मेशन भी यहाँ पे मिला। तो इस लेवल में एंट्री बना था और इस लेवल का टारगेट बना था, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है इसी रेंज को मार्किंग कर लेना तो वो आपको टारगेट यहाँ पे निकल कर आ सकते हैं। तो देखिए, मेरे इतने सालों के इस पैटर्न के ऊपर मैं इतने सालों तक काम करके आया हूँ और इस तरीके से पैटर्न्स को मैं फॉलो करके काम करता हूँ, तो मेरे ओपिनियन कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ब्लाइंडली इस तरीके से जब ट्रेड बनेगा तो आप एंट्री मत लेना ना, आप आपके ओपिनियन के हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च भी करिए, तभी आपको और भी क्लियरिटी मिलेगा और आपको कभी भी डर, मतलब डर नहीं लगेगा कि हाँ मैंने जो स्टॉक को बाय किया हूँ जहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस है, अगर लॉसेस भी हुआ तो छोटे मोटे लॉसेस के साथ आप एग्जिट हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कोई भी ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की जोन हो सकता है, तो मैं फिलहाल के ऊपर इस कंपनी के ऊपर कोई काम नहीं करूंगा, फिलहाल के ऊपर इस कंपनी के ऊपर शांति से बैठा रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है स्प्लिट देने का। कंपनी 1 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है, हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को एज एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।